स्वागत है आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। मैं आपके साथ नौशीन परवीन, पेश आपके सामने अब तक के मुख्य समाचार। बेमेतरा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पुटपुरा में राज पांडे ईंट का भट्टा बना मौत का भट्टा, जिसमें एक मासूम व एक महिला जिंदा जली, हुआ एक दर्दनाक हादसा। मामला मारोचौकी में आने वाले ग्राम पुटपुरा का है। ईंट भट्टा में काम चल रहा था, जिसमें काम करने के लिए ललिता धूप गई थी। ईंट भट्टे के पास बच्चा प्रतीक खेल रहा था कि कुछ गिरने की आवाज के साथ साथ बच्चे की चीख रोने की आवाज सुनकर ललिता धूप ईंट भट्टे के पास भागते हुए गई। उसने देखा कि ईंट भट्टा ढह गया है और उसमें बच्चे प्रतीक दब गया है। बच्चा रो रहा है तो बच्चे को बचाने के लिए महिला ने आवाज लगाई। वह पास पहुँच कर ईंट भट्टे में दबे बच्चे को निकालने लगी कि ईंट भट्टा उनके ऊपर ही ढह गया। महिला की चीख सुनकर भट्टा मालिक पहुंचे, दोनों की जान बचाने की कोशिश करने लगे, पर मासूम बच्चे प्रतीक 3 वर्ष व महिला ललिता ध्रुव 30 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। बीच बचाव करने गए भट्टा मालिक, उनका भी पैर आग में झुलस गया, जिसके कारण उनको जिला अस्पताल भेज दिया गया है। घटना मारो क्षेत्र मारो चौकी द्वारा मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के लिए नवागढ़ भेज दिया गया है। और नाती हुई तरफ खेलत रही से भट्टा भस्ती ना, तो महिला बचाए बर गई सोल पकड़े गए, तो हम वही मुँह दब गए, दोनों से कोई दबते काकर भट्टा यहाँ राजमंडी राजमंडी कौन है यहाँ मेरा नाम है। अच्छा, महिला कौन है, मजदूर रही से? हाँ, बृहस्पति भाई पति का ना है, एक गांव पुटपुरा की है। ईटा भट्टा राजमणि पांडे राजमणि प्रजापति है। वो अपना जीवन पार्जन के लिए वहाँ ईटा भट्टा बना रहे थे, कुछ मजदूर भी काम कर रहे थे, और एक ईटा भट्टा पका हुआ था, दूसरा भट्टी रच रहे थे। दोनों को बिग गैप में करीब करीब 2-2.5 फीट जगह खाली था, उसी में एक छोटा सा बच्चा, उस प्रजापति का जो नाती 3 वर्ष करीब का है, वो निकल रहे थे। पका वाला भट्टा वो धसकने से वो बच्चा ऊपर गिरा, तो वहीं पर पास में काम कर रहे एक मजदूर महिला ललिता ध्रुव उसको बचाने के लिए दौड़ी, और उसी के चपेट में वो भी दब गई, जिससे दोनों मृत्यु हो गया है। और सूचना पर मर्ग कायम कर पंचनामा कार्रवाई कर रहे हैं।